हिंदुस्तान उ हर सपना जो नामे बसेला प्राण उ हर सपना जोन भरेला उड़ान उ हर सपना जोन होखेला चट्टान ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। हमारी बात आज गांव गली मोहल्ला के बच्चा बच्चा के जुबान पे बा और हमरा खातिर के हमरा मंच खातिर के और भोजपुरी खातिर ही गौरव के बात बा कि ये मंच के महागुरु बनल बाड़ी हमनी के डांस के सबसे बड़ गुरु जे सुपरस्टार लोग के भी सिखौले बाड़ी डांस के ककहरा ए मंच के महागुरु हमार बड़की माई। तनी कचकचा के ताली बजावा लोगन अपने जोशीले टीम के साथ अपने टीम का कमान संभाल के बैठल बाड़ी भोजपुरी सिनेमा के रानी जे भोजपुरी सिनेमा में डांस के एगो नया परिभाषा देले बाड़ी संभावना सेठ जी। जेकर सुरतिया दुपहरिया मतिन चमकेले और घर घर में जेकर जादू चलेला बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी जी और साथ में उनके जाबाज सिपाही लोग के भी स्वागत कैल जाए। आज बड़की माई तय कैले बाड़ी हर धुरंधर खातिर के अलग अलग स्टाइल के डांस के कसौटी ता आई सबे देखल जाओ कि आज वो कसौटी पर धुरंधर लोग खड़ा उतरी है कि ना। मैंने सब बच्चों को अब की बार अपने पसंद के गाने दिए। अभी तुम लोग बहुत अच्छा नाचे हो, मैंने हर किस्म का आप लोगों का फॉर्म देखा है ना। आज मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अलग अलग स्टाइल से नाचो, तो मैं तुम लोगों को गाना दूंगी और कौन से स्टाइल में नाचना वो बताऊंगी। तो वहाँ बैठो और एक एक करके आओ तो मैं बता दूँ। मैंने आपके हर फॉर्म देख लिए, मेरे पसंद का तुम सेमी क्लासिकल करो। सब कुछ तुमने अच्छा किया है, अब क्या करें, कंटेम्प्रेरी करेंगे, करके दिखाएंगे। अच्छा सब आपने मुझे दिखा दिया एक्सेप्ट क्लासिकल नहीं दिखाया ना, ट्राई करो क्लासिकल। मैंने आपका सब डांस देखा है, आज मेरे को आप एक बॉलीवुड तड़का दिखा दो। डू दैट, मसाले वाला, सीटियां पड़नी चाहिए। सच पूछो, आपका डांस बहुत अच्छा है। आर्टिस्टों में किसको फॉलो करती हो? बहुत पसंद, बहुत ग्रेसफुल, बहुत ज्यादा पसंद है ना, बहुत ज्यादा। तू भी मेरे को कंटेम्प्रेरी करके बता जी। अभी तक तू मेरे को सिर्फ भोजपुरी दिखाया है, अभी मेरे को तू कुछ वेस्टर्न दिखाओ, हिप हॉप, साल्सा, कुछ ऐसा डांस करके बता। तेरे को छोटा पैकेट बोलते हैं, सही बोलते हैं। तुम मेरे को वेस्टर्न करके बताओ, हेलेन बन के बताओ मेरे को। बड़की माई, आज हर धुरंधर के ई डांस के जौन कसौटी पे आप अलग अलग उतरले बानी, एकरा पीछे कोनो खास कारण बाटे? हाँ, क्योंकि पहले दिन से जैसा प्रदीप हमेशा भोजपुरी डांस करता है और कुछ आता है कि नहीं आता है वो भी देखना है ना, मतलब हर एक को अलग अलग लैंग्वेज दिया है ताकि हमें मालूम पड़े कि इनको सब टाइप के डांसेस आते हैं, थोड़ी वैरायटी भी होगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा, इनका कितना नॉलेज है वो भी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अम्मा ने जो ये टास्क रखा है इनके लिए, जो अलग अलग तरह की तैयारियों के लिए, मेरे ख्याल से इस कंपटीशन के लिए और उनके खुद के करियर के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, और जिसमें हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि वो अम्मा के इस टास्क पर खरे उतरें, और अगर वो कहीं चूकते हैं तो अम्मा को पूरा राइट है कि उनकी बराबर से कान मरोड़ के खबर लें। अच्छा डांसर मेरे हिसाब से वही होता है जो कि हर स्टाइल, हर फॉर्म अच्छे स्टाइल में, अपने स्टाइल में कर सके। तो आज देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा मौका हमारे लिए भी है कि सबके डिफरेंट स्टाइल्स देखने के लिए मिलेंगे। सो हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए हैं और बस मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। अच्छा करें, बढ़िया परफॉर्म करें, मास्टर जी का प्यार लें। संभावना जी, हम आपसे ही निवेदन कहल चाहता नहीं कि रोज तो आप भेजत रहनी है, अगर आपके आज्ञा होके तो आज आपके धुरंधर लोग के हम बुलाएं जी।
ठीक बा जी। अब हम बुला रहल बानी जोशीले टीम से अंजलि मिश्रा पटना से। भोजपुरी डांस तो हम बहुत करनी हा, पहली बार वेस्टर्न डांस बड़ी माँ देले बानी, ओकरा पर हम बहुत मेहनत करले बानी और पूरा विश्वास के साथ हम पूरा विश्वास बा कि हम अच्छा करब। अब आगे देखा था कैसे हमनियों के चाहल जाई कि तू अच्छा करा और जीत ल बड़की माई के दिल। हाँ, कहें कि आज जे जीती बड़की माई के दिल, दोनों टीम से कोनो एक एक योद्धा सुरक्षित हो जाई। कोशिश तो पूरा बा। आई सबे देखल जाओ कि कैसन बाटे अंजलि के तैयारी। श्वेता जी, आज बड़की माई जोन चुनौती देहले रली है ये पॉकेट साइज धमाका खातिर के, ऊपर ही खरा उतर पौली है कि ना? आपने जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो एक वेस्टर्न ग्रेस है वो अभी तक कम्प्लीटली आपके बॉडी में आया हुआ नहीं है। वेस्टर्न का एक अलग ही ग्रेस होता है, एक अलग ही मोमेंट्स होते हैं, तो वो वेस्टर्न ग्रेस आने के लिए तो आपको थोड़ा सा और रिहर्सल की ज़रूरत है। बाकी आप जब भी डांस करती हैं, मेरा मन करता है कि मैं आकर आपके साथ डांस करूँ, बहुत अच्छा लगता है। बड़की माई काई आपके चुनौती पर खरा उतर ली है? नहीं, आपको वेस्टर्न का सचमुच स्टाइल नहीं मालूम, क्योंकि जब आप बेंड करते हैं तो आपके पैर भरतनाट्यम के जैसे हो जाते हैं। बहुत मामूली फ़र्क है भरतनाट्यम में और स्क्वाट करने में, बहुत मामूली सा फ़र्क है एक धागे भर का। आप स्क्वाट करो, मैं बताती। देखो आपके नीज किधर पॉइंट कर रहे हैं, बाहर की तरफ, वो भरतनाट्यम वाले करते हैं। आपके नीज जब आप ऐसा बैठो तो मेरी तरफ पॉइंट करना चाहिए ना, और पैर खोलो। हाँ, अब दोनों घुटने मेरी तरफ करो, करेक्ट। अब जाओ नीचे, ये है वेस्टर्न। अब दोनों पैर पास में करो, हाँ, अब बैठो और घुटने बाहर करो, ये भरतनाट्यम। एक धागे भर का फ़र्क है, इसी में से मालूम हो जाता है कि आपको वेस्टर्न स्टाइल आता है कि नहीं आता है। आप कमज़ोर हैं वेस्टर्न स्टाइल में, आप नाचे अच्छा है। मैम, अगली बार अगर मैं रही तो वेस्टर्न डांस करना ज़रूर चाहूँगी और आपको परफेक्ट करके दिखाऊँगी। अरे वाह, ये होता है ना। थैंक यू मैम। पक्का? पक्का मैम। चला जरूर देखिया और चला जाओ तनी श्वेता जी के लगे और उनका से जानल जाओ कि कितना नंबर मिलल है। मैं अपनी पॉकेट साइज धमाका को दूंगी 36। 36 नंबर बड़की माई के नंबर हमनी के बतावल जाई आखिरी में। अभी सिर्फ प्रतिद्वंदी कप्तान के नंबर ही बताई और अब हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करा। आज ये मंच पे हमारा धुरंधर लोग के बहुत कुछ सीखे के मिली, काहे कि बड़की माई जोन पैमाना चुनले बाड़ी ओह पर ये लोग के पता चली कि डांस के कौन अलग अलग स्टाइल है। काहे कि अभी तक ये लोग जहाँ सीखले बा जैसे सीखले बा, जैसे अंजलि के ले नहीं, अगर अंजलि सीखले बाड़ी तो अपना भैया से प्रदीप से, और प्रदीप भी यहाँ बाड़े तो जे सीखले बा उहो और जे सिखौले बा उहो यही मंच पे बा। तो वो लोग के अगर इसे ज़्यादा कुछ जाने के बाद तो बड़की माई के परीक्षा पर खरा उतरे के पड़ी। तो अब ही हमार धुरंधर लोग आई हैं और अपन अलग अलग अंदाज दिखाई हैं। रउआ सब कहीं जाए मत, कहें कि वो हर सपना जोना में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। कहल जाला कि जीत के मजा तबे आवेला जब आदमी हर कसौटी पर खरा उतर जाए, और अब आज बड़की माई के कसौटी पर खरा उतरे खातिर हम बुलावे चलतानी श्वेता जी के टीम से पटना के जूनियर रवि किशन आनंद ईशान। आज
दोस्तों के बड़की माई जोना चुनौती के पार करे खातिर देहले बाड़ी वह कंटेम्परेरी कैसन तैयारी बता हर तैयारी तो कैले बनी जबरदस्त का लगता तो के ए चुनौती पे खड़ा उतर जीवा हाँ खड़ा उतर जाए आई सबे देखल जाओ कि का आनंद ईशान बड़की माई की चुनौती पे खड़ा उतरी है नहीं हरवा हमका अब ना भाए ताब तनी चलल जाओ हमनी के संभावना जी के लगे और उनका से पूछल जाओ कि कैसन लागल है आनंद बाबू के ये अंदाज आनंद मुझे एज अ डांसर बहुत अच्छा लगता है हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है और पता नहीं ये वाली परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी कम लगी है बस बाकी मास्टर जी डिसाइड करेंगी बट आनंद आपका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा है थैंक यू मैम बड़की माई आपके कसौटी पर का ही खरा उतर ले हैं अच्छा किया लेकिन टोटल कंटेम्प्रेरी नहीं बोला जा सकता इसको बिकॉज पॉस्चर्स बहुत ढीले थे थोड़े है ना नीज वगैरह बहुत ज़्यादा बेंडिंग वो नहीं होता है उसमें थोड़ा स्टाइल पे आपको और मेहनत करनी पड़ेगी आपका थीम बहुत अच्छा था टचिंग था बहुत हम जान सकते हैं कि ये HIV वालों की हालत है बहुत अच्छा किया ओके थोड़ा और लेबर तालियां मारने के लिए हमको थोड़ा और लेबर चाहिए ठीक है माँ अगला बार जरूर देंगे माँ थैंक यू और अब बारी बाटे नंबर जाने के एक्चुअली मैं आनंद को 35 देना चाह रही थी लेकिन एक नंबर क्योंकि ये डांसर बहुत अच्छा है एक नंबर ऊपर 36 थैंक यू 36 नंबर गांव देहात के योद्धा लोग जे कबो ए स्टाइल के नाम भी ना सुन ले होकी ऐसा ऐसा चुनौती है मंच पे लोग के मिल रहल बा करे खातिर के और एमे ही लोग पूरा प्रयास भी कर रहल बा मेहनत कर रहल बा और अभी आनंद बाबू बड़की माई का दिल छुए में थोड़ा उनके कामयाबी मिलल है और साथ में मिलल है कुछ और मेहनत करे के सीख और अब बारी बाटे जोशीले टीम के अविनाश दुबे बाबा गोरखनाथ के धरती से कैसन बा तैयारी आज तैयारी तो बहुत बढ़िया बा लेकिन सेमी क्लासिकल स्टाइल हम अपन जिंदगी में पहली बार करत बानी तो आई सबे देखल जाओ कि बड़की माई के दिहल चुनौती सेमी क्लासिकल में आज अविनाश दुबे जी के तैयारी कैसन बा कैसन लगा था बड़ा बढ़िया लगा था पहली बार एक चीज कह ली आई तो अच्छा लगा था ना अब आप तनी चलल जाओ हमनी के श्वेता जी के लगे और इनका से पूछल जाओ इनके कैसन लागल है इस तरह का डांस करना इस तरह का अटेम्प्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस तरह का डांस फॉर्म आपने किया है यहाँ पर जिस तरह का आपने ये प्रेजेंटेशन दिया है ये आज तक इस स्टेज पर नहीं हुआ आपने ये सारी चीज़ पहली बार की है और पहली बार करने के बावजूद जो तेज आपके चेहरे पे था जो ओवरऑल जो लुक था आपके एक्ट का उसके लिए भी मैं फुल मार्क देना चाहूँगी इट इज़ ब्यूटिफुल पूरे के पूरे 40 थैंक यू सो मच 40 में 40 मुझे मेरी आंखों को देखकर इतनी संतुष्टि मिली है इसके डांस को कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया इसने थैंक यू मैम बड़की माई आपके आज जो चुनौती रहे का वो चुनौती पर अविनाश बाबू खरा उतर ले हैं जी हाँ उन्होंने बहुत अच्छा नाचा है थैंक यू सो मच मैम आपको दिल से मैं कहती हूँ आपने बहुत अच्छा किया बोल दो बाबा गोरखनाथ की जय एक बात याद रहे बाबू कि जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार उहे बनी ये मंच के महाविजेता तो आवा अब हम अपने अगला धुरंधर के बुलाई और हम चाहब कि
आप अपन स्थान ग्रहण करा कहे कि बड़की माई के नंबर हमने के आखिरी में ले ली। अब गांव प्रधान देश हिंदुस्तान सही माने में बनाई अपन पहचान, कहे कि गांव के योद्धा लोग के मिल गई बा एगो नया आसमान, जोना में लिखाई कोनो एक सिपाही के किस्मत के लेख, और उहे बनी ये डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार। रउआ सब कहीं जाई मत, कहे कि हम फिर आवतानी, रउआ सब रखी इत्मीनान, कहे कि उहर सपना जोना में बसेला प्राण, उहर सपना जोन भरेला उड़ान, उहर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल कहीं और ना हो भैया। तान संग्राम, ए महासंग्राम में जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, उहे बनी डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार, और ओकरा के दिहल जाई 11 लाख रुपया। और जैसन कि हम हर बार कहे नी कि महायुद्ध के जीते खातिर के करे के पड़ी हर बार मजेदार परफॉर्मेंस, आई तनी अब अपना अगला योद्धा के बुलावल जाओ, और हमनी के अगला योद्धा हमें श्वेता जी की टीम से दीपू रांची से। रांची झारखंड से दीपू भैया, आज आपके मिलल बाटे बड़की माई से एगो नया चुनौती, तो ये चुनौती खातिर तैयार हुआ? तैयारी तो दिनेश भैया बहुत जबरदस्त बा, अब बहुत डर भी लगत बानी, लेकिन कॉन्फिडेंस बा कि मैं अपना अच्छा करूँगा। आई सबे देखल जाओ कि रांची झारखंड से दीपू बाबू के तैयारी कैसन बा। आप कितना दोगे? बारे राम नारायण भैया, बहुत तू तो तेज निकल रहा हो, पहले ही चल गया नंबर लेवे खातिर। लेकिन नंबर लेवे से पहले जाने के पड़ी कि राम नारायण भैया के बाजा बजावे के जो अंदाज रहा वो कैसन लगल है। ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है जो भी तुमने अभी किया है, तुम्हारा स्टाइल वेस्टर्न है जो कि तुम बहुत ही अच्छा करते हो, लेकिन इस चाइल्ड को भी तुमने बहुत ही बढ़िया किया है। ये जैसा डरा हुआ रहता हमेशा, क्या होगा क्या होगा। आपसे ही बहुत डर लगती है मैम, आपका कमेंट का ही इंतजार करते रहता हूँ। जब आप अच्छी बोलते हैं मैं कि दीपू तू अच्छा किया, तो जान में जान आता है कि अब मैम बोल दिया अच्छा, पता नहीं क्यों मैम। आखिरी फैसला मास्टर जी का होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आखिरी फैसला मास्टर जी का है। बड़की माई तोके देहले बाड़ी ई चुनौती, और तोके इहो बता दें कि जौन गाना तू कैला है तो ऊपर जे परफॉर्म कैले रहे गोविंदा जी उनकरों के बड़की माई नचौले हैं, और आज तोहरा के चुनौती देले रहनी है, तो आवा चल जाओ बड़की माई के लगे। बस सिर्फ एक एक नंबर कम रह गया, वरना यू हैव डन वेरी वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब आप चल जाओ तनी डमरू बजा के देखल जाए कितना नंबर मिला था संभावना जी से। दीपू के एफर्ट के लिए 39। 39 नंबर, जोरदार ताली हो जाए। दीपू अपने मजेदार परफॉर्मेंस से जीत ले ले हम बड़की माई के दिल, लेकिन जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार उहे बनी ये महामंच के महाविजेता। और अब हम बुला रहल बानी संभावना जी के जोशीले टीम से रांची के कोमल के। कोमल, एक चुनौती मिलल बा बड़की माई की तरफ से, एकरे खातिर तुहार तैयारी कैसन है? सर कंटेम्प्रेरी तो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन अब अम्मा दी हैं तो पूरा कोशिश है कि इससे पहले दिल जीते हैं तो इस बार भी जीत के जाएं, पूरी मेहनत की है इस बार भी। कोमल पूरी तैयारी में है, आई सबे देखल जाओ कि कोमल जीत पई है का हमरे बड़की माई का दिल। नई विधा नई चुनौती कोमल के,
कैसन लागल है कोमल तोहके करे में? सर बहुत मजा आया, शायद अच्छा लगा हो आप लोग को। कोमल, आपके इस एक्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये फॉर्म करते हुए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई है, क्योंकि आपने कोई भी मोमेंट कंप्लीट नहीं किया। बाकी जो प्रेजेंटेशन, जो लुक इस एक्ट का था, दैट लुक्ड वेरी ग्रैंड। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि आपने ज़्यादातर स्टेप्स एक दो किया तो तीसरा आपने छोड़ दिया, आप स्टेप्स छोड़ती गई, पूरा आपने कंप्लीट नहीं किया। बल्कि माई, आपके चुनौती पर कोमल कितना खरा उतर लिया? 50-50। अच्छा भी किया, नहीं भी अच्छा किया, मतलब दिल से किए। ये दिख रहा था कि यू आर एंजॉइंग इट, लेकिन हाथ पैर कांप रहे थे एंड यू आर लीविंग द मोमेंट्स। नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर और प्रैक्टिस करो, इसकी स्टाइल को सीखने के लिए टाइम लगता है। हम अगला कंटेम्प्रेरी पक्का परफेक्ट होगा। ओके, आई बिलीव यू। थैंक यू मैम। तनी चलल जाओ श्वेता जी के लगे और जानल जाओ कि कितना नंबर मिलल है कोमल। आई गिव हर 33। 33 नंबर। मुझे ये लड़की हमेशा से ग्रेसफुल लगती है एज अ डांसर। हमने इसको काफ़ी बार ये भी बोला है कि काफ़ी सेक्सी दिखती है स्टेज पे, उतनी ही ग्रेसफुल मुझे आज भी दिख रही थी। मुझे इसका डांस अच्छा लगा। थैंक यू मैम। चुनौती बड़की माई दिहलेबाड़ी, और बड़की माई जो नंबर दी हैं वो नंबर के प्रतिद्वंदी कप्तान के साथ जोड़ के ही ये फैसला हुई कि आज कौन उद्योगो धुरंधर हमें जवन सुरक्षित हो जाए हैं। हमनी के जानल जाए, लेकिन अब हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करें। बड़की माई और प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान के नंबर के जोड़ के जब आखिरी में देखल जाए, जवन दूगो योद्धा के परफॉर्मेंस रही सबसे फ्रेश और एक्टिव, उहे बनी सुरक्षित योद्धा। और देखे के बाद हमनी के आवे वाला योद्धा लोग के आज जोन चुनौती मिलल पा ऊपर कितना खरा उतरी हैं। अब तो चिंता के कोनो बात नहीं है, ठंडी भी खत्म हो गई बा, अब टीवी अपन अपन छत पे लगा सकेला लोग, हवादार एकदम आराम से बैठ के देखत रहा। कहे कि उहर सपना जोन जोना में बसेला प्राण, उहर सपना जोन भरेला उड़ान, उहर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है टान संग्राम। आज गाँव में गली गली में कार्यक्रम के चर्चा बा, और हमनी के जहाँ भी जाता नहीं जा, अभी हम जहाँ शूटिंग करे गई रही हाँ तो वहाँ छोट छोट लड़का भी यह लाइन के रटल चालू कर दिले हुए। सबसे मज़ेदार बात यह बा कि उनके यादों हो गल है, वो याद करके सुनावत भी हुए। संभावना जी, उहल छपना जोना में बछेला प्लान, उहल छपना जोन भरेला उड़ान, उहल छपना जोन होकेला चट्टान, ओकल आखली मंजिल है डान चंगलाम। हमके अभी करण अर्जुन के शूटिंग करे गए रही है बड़की माई, छोट छोट लड़का ई हमके सुनावे लगल है और स्वागत करत हूँ कुल। अब हमनी के जोरदार ताली से स्वागत कर ली बड़की माई के। बहुत दिल गदगद हो गई जान के, समझ के और देख के कि आप लोग के इतना दुलार प्यार एक कार्यक्रम के मिल रहा बा। हम ये चाहब कि भैया ये प्यार आप लोग बरकरार रखी, ऐसे ही अपन प्यार दे के हमरे धुरंधर लोग के उत्साह बढ़ावत रही। और आज हमरे धुरंधर लोग के मिलल बाटे वो लोग के मिजाज से कुछ अलग करे के चुनौती। बड़की माई सब क्या की चुनौती दे ले, आई तनी देखल जाओ कि श्वेता जी के अगला धुरंधर के बड़की माई के कौन चुनौती मिलल बाटे। वो हमनी के हमें प्रदीप मिश्रा। आज तक प्रदीप बाबू भोजपुरिया गाना पे ठुमका लगौले हुए, कबो बकरी चरावत इनके देखले हवा लोगे मंच पे, ता कबो ठुमका लगावत भोजपुरिया अंदाज में। आज पहल का बेर बड़की माई इनका के वेस्टर्न स्टाइल में डांस करे के चुनौती देली है, और वो हिप हॉप। ता प्रदीप भैया कैसन तैयारी बा तुहार? हिप हॉप के तैयारी तो बहुत जबरदस्त हो गए। बड़की माई के दिहल चुनौती के ई पूरी तरह से मेहनत कैले बाने, कहे कि इनके हमनी के पहले ही कह दिले हैं जा कि पटना के पानीदार मरद हमें, तो ये पानीदार मरद के तैयारी कैसन बा आई सभे देखल जाओ।
वह गाड़ी है बजाज डिस्कवर डीटीएस एसआई, याद है कि भुला गेला? याद है ना, कहले रहला कि अगर ये गाड़ी मिल जाई तो सीधा मुसल्लापुर से 1 लीटर तेल भरबा और गाजीपुर हमरे घरे आ जीबा। हाँ एकदम याद बा, तोर घरे तो आवे के बा ना, यही से तो मेहनत करत बनी। मेहनत करा और के जीत ला एकदम, है ना, देखा कितना मेहनत के ले बनी। प्रदीप, ये आपने कौन सा स्टाइल किया था? हिप हॉप। तो मैं इसको सिर्फ हिप हॉप नहीं बोलूंगी, मैं इसको भोजपुरिया हिप हॉप बोलूंगी। ये जो तुमने भोजपुरिया हिप हॉप किया वो मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारा एफर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम्हारा डांस भी बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे लगे, वहाँ से जो छलांग मार के आए वो भी बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया था, वेरी गुड। थैंक यू मैम। बड़की माई, आपके का लगल है ये चुनौती पे खरा उतरले हैं? मुझे सबसे अच्छा आइटम इनका लगा। यू हैव डन अ वेरी वेरी नाइस जॉब। आप दो ही लड़के हैं जो कहने पे उतरे हैं, वो है तुम हिप हॉप में और क्लासिकल में अविनाश। यू ऑल बोथ हैव डन ब्रिलियंट। मेरी तरफ से फुल मार्क्स टू बोथ ऑफ यू। ये मेरे हिसाब से मैम ये हम दोनों की गोल्डन मेमोरी होगी, हम लोग कभी ना भुलाएंगे। पर पटना के पानीदार मरद जीत ले हैं बड़की माई के दिल, और अब हमके लागा था कि तू बाइक लेके आई हमारे घरे, वादा कैले हवा भुलैया मत। हाँ एकदम। हमारे ये दोनों जो कंटेस्टेंट है ना, बार बार बाइक दिखा दिखा के बोल रहे हैं कि भैया हम बाइक के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, हमको बाइक दे दो, हमको वहाँ तक पहुँचा दो। लेकिन अभी चलल जाओ तनी संभावना जी के लगे। संभावना जी, कितना नंबर मिलल है हमारा प्रदीप बाबू के? इस भोजपुरिया हिप हॉप वाले कूल दूध वाले को मैं 40 देना चाहूंगी। 40 में 40। मैम जो भी अच्छा करता है मैम, आप उसे स्टेज पे आके हग करती हैं मैम। आ जाती हूँ। ये मौका कहाँ से तू छोड़ देगा? पटना के पानीदार मरद प्रदीप मिश्रा तो जीत लेले हैं बड़की माई के दिल और चुनौती पे उतर गए हैं खरा। लेकिन अब जौना योद्धा के हम बुलावे जात बानी, बड़की माई उनके कौनो चुनौती नहीं खिदेले। काहें कि ये मंच पर उनकर नाचल ही अपने आप में आज एगो चुनौती हुई। हाँ आप लोग समझ गए हो हमारे इशारा बाटे उनके तरफ, जे पिछला बार ए मंच पे घायल होखला के बावजूद अपन जलवा देखेलें और बड़की माई के दिल जीतले रहें। मेरी तरफ से मैं आपको 501 पहली बार, मेरी लाइफ में मैंने हमेशा 101 दिया है लेकिन ये पहली बार मैं 501 देती हूँ। आप इसके लायक हैं और आप कहीं छोड़ के जाएंगे नहीं, आपको हमारी कसम मरते दम तक नाचना। जी हाँ हम बुलावल चाहता नहीं, जोशीले अतमजीत। अतमजीत बाबू, आपके बड़की माई कोनो चुनौती नहीं खी देले, लेकिन फिर भी ये मंच पे आज तुहार नाचल ही अपने आप में चुनौती बा। तोके का लगता आज तुहार तैयारी का बा, का कहिल चाहता रहा आज? जो भी बोलूँगा परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो कैसे करूँगा क्या करूँगा वो मुझे बस अपने कोरियोग्राफर्स का आशीर्वाद है और फिर देखता हूँ आज स्टेज पर क्या करता हूँ। मैं सिर्फ आतमजीत से आज ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस मंच पर बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ अपने शोल्डर का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो ये लास्ट परफॉर्मेंस भी हो सकता है आपका।
प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो आपने किया वो हम लोग की जान ऐसे अटक गई थी जो आप परफॉर्म कर रहे थे. प्लीज़ जस्ट टेक केयर. ध्यान से, जोश में होश मत गवैया, और हम चाहब कि तू आज ऐसन परफॉर्मेंस दिखावा कि बड़की माई के दिल जीता और ये मंच पे कायम रहा, तुम्हारी दावेदारी कायम रहे. You better put your fist up, right now. जैसन कि हम पहले भी बतौली कि तोहके कोनो चुनौती ना रहे, फिर भी तोहार बहुत बड़ चुनौती तोहरे खातिर रहल है. श्वेता जी, आज ए किंग के आपके कैसन लगल है जलवा? मैं चाहती हूँ कि मैं आपको फुल नंबर दूँ, पूरा का पूरा नंबर दूँ आपके जोश के लिए, और इसलिए भी ताकि आप अगले एपिसोड में सेफ हो जाएं और आपको एटलीस्ट एक हफ्ते का रेस्ट मिले. सो आई रियली वॉन्ट टू गिव यू फुल 40 नंबर्स. मैं इसको 40 मार्क्स देती तो सिर्फ इसलिए नहीं देती कि ये सेफ हो जाए, मैं इसलिए देती कि इसकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है. ठीक है, प्रॉब्लम कितनी है वो इसको मालूम है, हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो इसका जज्बा है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं. वो नहीं रोक पाए इसलिए वो यहाँ तक पहुँच चुका है, वरना ये पिछले एपिसोड में ही एलिमिनेट हो सकता था, लेकिन इसके जोश ने इसको यहाँ तक लाया और ये बहुत आगे तक जाने वाला है. My best wishes. I just love your performance. I just love your attitude. जिस तरह का तुम्हारा जोश है आतमजीत, hats off to you, yeah. Very good. मैं भी जो marks दूंगी वो आप पे मैं कोई एहसान करके नहीं दूंगी. You have earned it. Thank you, ma'am. आपने इसे कमाया है, इसीलिए हमारा फर्ज है आपको marks देना. And hats off to you. आप में हिम्मत है ये पहले दिन से ही देख लिया, बिकॉज बहुत से सरदार जी हम भी जानते हैं जो नाचते हैं, लेकिन आपके जैसे डांसर मैंने नहीं देखा. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. बड़की माई, इनका जोश और जुनून देख के हमके एगो लाइन याद आवत बा, जौना लाइन के आज ही सार्थक कर देले हैं. लिखले हमें जय शंकर प्रसाद द्विवेदी जी कि सिमटी बाहों को खोल गरुण उड़ने का अब अंदाज बदल. सिमटी बाहों को खोल गरुण उड़ने का अब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे भिखमंगों की आवाज बदल. बिल्कुल ऐसा ही मेहनत करत रहा, और हमनी के सब लोग चाहल जाए कि तू अपन दावेदारी ऐसा ही बना के रखा, और अब चाहब कि अपन स्थान ग्रहण करा.
दोनों टीम में बाचल बाणे 8 गो योद्धा, 4 गो संभावना जी के टीम में और 4 गो श्वेता जी के टीम में। ए महासंग्राम में जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, उहे बनी डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार और उकरा के दिहल जाई 11 लाख रुपया। केहू आइल बाटे भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर के जन्मभूमि से, त केहू आइल बाटे विंध्यवासिनी के धाम से, अब्दुल हमीद के धरती से। त आज ई जंग ऐसे ही जारी रही और अगला एक योद्धा खाली बचल हुए, जेकरा के हमनी के देखल जाए कि कौन चुनौती मिलल बा बड़की माई की ओर से। लेकिन ओकरा पहले हमनी के लेहल जाइए एगो छोट सा विराम। रउआ सब कहीं जाए मत कहें कि उ हर सपना जौना में बसेला प्राण, उ हर सपना जौन भरेला उड़ान, उ हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम।